सच्चारित्तम हि सत्वम चैव चोरो चित्त हि आदे तम आदामे शरणम कषाय की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवभीरु प्राणी दया यह आत्मार्थ निवास महात्मा गांधी जी एक बार श्रीमद राजचंद्र जी के पास गए। किसी ने यदि आपस में संभाषण पढ़ा होगा, श्रीमद जी और गांधी जी के बीच का संभाषण छपा है ना, पूरा छपा है पत्रों में। उसमें 27वां प्रश्न है। श्रीमद जी के पास गांधी जी पहुंचे और उन्होंने एक प्रश्न पूछा, यदि किसी के हाथ में पिस्तौल है और ताने खड़ा है, ट्रिगर ऑन, और बस ये समझ लो कि बस एक सेकंड में चलाने वाला है गोली, और उसी समय हमारे पास भी एक पिस्तौल है, हमारे भी सब एवरीथिंग लोडेड प्रॉपर, और चाहे हम ऐसा चाहे तो उसके चलाने के पहले हम चला के हमारी जान बचा सकते हैं। मैं ऐसे क्यों कहूँ उसको मार के, हम अपनी जान बचा सकते हैं। अथवा यूं कहिए, कोई शेर आक्रमण करने को था, करने को ही है बस, और अपने हाथ में पिस्तौल भी थी, हम क्या करें, साधारण प्रश्न था गांधी जी का। गांधी जी के अलावा यदि दूसरा कोई होता तो शायद उत्तर देते, नहीं भी देते, गंभीर प्रकृति के थे, उम्र के अपनी 33वें वर्ष में ही उनका देह वियोग हो चुका था। 32 साल तो श्वेतंबर संप्रदाय में रहे और अंतिम एक वर्ष दिगंबरत्व का मिला। अंत भला सो सब भला। श्रीमद जी ताड़ गए, जान गए कि ये गांधी जी का जो प्रश्न है वो पिस्तौल का लेकर प्रश्न नहीं है, अंग्रेज खड़ी है पिस्तौल ताने, क्या किया जा सकता है। श्रीमद जी ने एक उत्तर दिया था जो बहुत विचारणीय है हम सबको। श्रीमद जी ने उत्तर दिया था, हम गोली चलाए, ऐसा उत्तर मैं आपको देकर मैं अनंत काल का बहु भ्रमण में स्वीकार नहीं करना चाहता। उनका इतना सही उत्तर था, मैं आपको उत्तर देकर, आपके गोली चलाने की बात नहीं है, मैं बस ऐसा आपको सुझाव देता हूं तो मुझे आनंद भोग भ्रमण करना पड़ेगा। जैन दर्शन की सहज परिपाटी है। और एक बात, अपना खून करने वाले से भी प्रेम करना, ये मुझे श्रीमद ने सिखाया। गांधी जी भरे स्पीच में ऐसा बोलते थे, क्या खून करने वाले से भी प्रेम करना, ये मुझे श्रीमद ने सिखाया। और गांधी जी के जीवन में एक्चुअली हमने सबने देख लिया, खून करने वाले से भी प्रेम किया, द्वेष नहीं किया। सर्वे जीवा भी इच्छन्ति जीव न मरिज्जम, सभी जीव जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। तम्मा पाणी वयम घोरे निगंथम वज्जयम तिणम, इसलिए सज्जन पुरुष प्राणी की हिंसा से विरक्त हो जाओ। जैन धर्म जो अहिंसा प्रदान है, चलती आ रही परंपरा है, सब जानते हैं, ये जैनी लोग एक चिंटी को भी नहीं मार सकते। अब सबके ज्ञान में होगा, 10-15 साल पहले का एक केस चला कोर्ट में,
कोर्ट में केस चला, एक जैन पर केस चला, फांसी पर लटकाए जाने वाला था, आपको क्या कहना है आपके बारे में? उसने मेरे बच्चे के साथ मुझे थोड़ी सी बात करनी है, उसको लाया जाए, लाया जाए। बच्चे को ये कहा पिता ने, बेटा इस चींटी को मारो तो ये मुझे बचा देंगे, मारो बेटा इस चींटी को मारो तो मुझे बचा देंगे। आखिर तक चींटी को नहीं मारो उस बच्चे ने। वहां के जो उपस्थित लोग थे उनको अपील कर गई बात, जिनके बच्चे में इतना संस्कार वो खून कैसे कर सकता है, कैसे पाए? और वो सालों से ये कहता था बाबा मैंने खून नहीं किया है, पेंडिंग कर दिया मामला, अभी फांसी नहीं लगेगी और इन्वेस्टिगेशन होगा, और फलस्वरूप उसकी रिहाई भी बाद में हो चुकी थी। ये जैनित्व की अपने अपने छाप है। ज्ञानी झेल सिंह ने तो यहां तक कहा था श्रवण बेलगोला में एक स्पीच में, यदि जैनत्व का प्रचार प्रसार सर्वत्र होता है तो मैं विश्वास रखता हूं एक भी पुलिस थाने की आवश्यकता भारत में नहीं होगी। अपना वैभवशाली इतिहास है उसको हम थोड़ा देख रहे हैं। रात्रि भोजन त्याग का प्रकरण विगत 2 घंटों से हम देख रहे हैं, साइंटिफिक अप्रोच से थोड़ा सा उसको देखेंगे। पुराने लोग उसको समझ पाएंगे ऐसा ज्यादा नहीं लगता, लेकिन मुझे अपना काम करना पड़ेगा। देखिए प्रिज्म, जानते प्रिज्म, व्हाट डू यू कॉल फॉर प्रिज्म, हिंदी में क्या कहते प्रिज्म को? पिरामिड होता है, पिरामिड जैसा, क्या कहते हैं उसको हिंदी में प्रिज्म को? एक कांच जैसी वस्तु, दैट इज 3-डायमेंशनल, कहीं से भी आप देखोगे वो त्रिकोण है, प्रिज्म, प्रिज्म कहते हैं उसको। हमने विज्ञान में ये पढ़ा है जब सूरज की किरण उस पर पड़ती है तो उसमें से एक बैंड निकलता है, बैंड है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा आपको, दैट स्पेक्ट्रम इज 7 सप्तरंगी है वे, दैट इज कॉल्ड विबग्योर। हमको ऐसे याद कराया जाता था, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, समझना समझना सब बारीक ऐसे, बहुत मिलती जुलती बात है। जिसको पढ़ना है मेरे पास कुछ आर्टिकल्स है, वो बाद में ले सकता है, बहुत मजा आएगा, फोटोकॉपी करना कर सकेगा। तो जब भी इंद्रधनुष बनता है आकाश में, यही 7 रंगों का बनता है। जब भी सूरज की रोशनी प्रिज्म पर पड़ती है ये बैंड आपको दिखेगा। अब देखिए ये 7 कलर के साथ साथ, 7 कलर के साथ साथ, ये वॉयलेट के बाहर की तरफ और रेड के बाहर की तरफ, वहां पर हाथ लगाएंगे तो थोड़ी आंच ख्याल में आती है, गर्मी गर्मी, वहां पर भी 2 रेज बैठी है। कुल मिलाकर वे 7 रेज नहीं है, 9 रेज है, 9 रेज। आप समझ रहे हैं बात को? वेरी गुड। जो वॉलेट के पास है उसको कहते हैं, अभी बोलिए बोलिए, और जो रेड के पास है उसको बोलते हैं, बोलिए बोलिए, अल्ट्रा वॉयलेट और इंफ्रा रेड। समझ में आता है सबको? अल्ट्रा वॉयलेट रेज कहते हैं, ये अल्ट्रा वॉयलेट रेज है, ये अल्ट्रा वॉयलेट रेज है। वैज्ञानिकों ने यह प्रयास किया कि ये बल्ब का भी प्रकाश डाल के देखा प्रिज्म पर, 7 रंग तो आए, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड नहीं आता उसमें से। कोई भी आप लगाएंगे सोर्स ऑफ लाइट तो वहां पर 7 ही आते हैं। कदाचित उन्होंने ये भी ट्राई किया, वेल्डिंग आर्क, वेल्डिंग का जो ये होता है स्पार्क वी कैन कॉल, अथवा कार्बन का भी आग उन्होंने देखी तो उसमें तो अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड आया, लेकिन बहुत नहीं के बराबर हिट था उसमें। निष्कर्ष पर आओ, निष्कर्ष पर आओ, एकमात्र सूर्य की किरण में ही अल्ट्रा वायलेट रेज हुआ करते हैं और इंफ्रारेड। ये क्या करते हैं अपन देखते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं ये हमारे विटामिन डी को पुष्ट करते हैं, जो हमारे हड्डी
स्पेशली हड्डी को और दांत को ठीक करने का काम ये अल्ट्रा वायलेट रेस करते हैं। इसलिए कहते हैं धूप में बैठो आपकी विटामिन डी देगा, आपकी हड्डियाँ अच्छी होगी। आपने सुना होगा ये अल्ट्रा वायलेट का काम है। पूरा इंफ्रा रेड कुछ नहीं करता, बस उष्णता देता है। ये कांच है, कांच को लांग कर अल्ट्रा वायलेट नहीं आ सकता। आप सुबह सुबह की धूप यदि लेते हो, बीच में कांच आती है, अल्ट्रा वायलेट पास नहीं करती उसमें से, इंफ्रा रेड तो पास करती है। और एक्टिनिक रेज भी होती है सूरज में। कौन सी? सूर्य की किरण में एंटिनिक, क्या क्या एक्टिनिक होता है। ये एक्टिनिक जंतुनाशक हुआ करती है। क्या कहा? जंतुनाशक। इसलिए आपने देखा होगा जब जब भी अनाज सुखाना है, कपड़े सुखाने हैं, उनको धूप दी जाती है। हालांकि मात्र गर्मी देकर भी सूख तो जाते हैं, लेकिन टिकेंगे नहीं। आपको टिकाना है तो सूरज की ही धूप चाहिए। ऐसा क्यों है? देखो, ठंड के दिनों में धूप नहीं आती तो मजबूरी में कोई हीटर से गर्म भी करते होंगे कपड़ों को, लेकिन जब भी अंदर रखेंगे कपड़ों को तो एक बार तो धूप की गर्मी दी जाए। अनाज का भी प्रॉपरली ऐसा है, क्योंकि धूप के जरिए ही निर्जंतुकपना संभव है। धूप में ही एक्टिनिक रेज पाई जाती है जिसकी चर्चा चल रही है। रात्रि होती है तो सूरज की किरण नहीं होने के कारण, एक्टिनिक रेज नहीं होने के कारण जंतुनाशक क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए रात्रि में कुछ भी सेवन में आता है वो जीवाणुओं का पिंड सेवन करने में आता है। इतनी सी बात है। जमीन कंद की चर्चा वैसे एक दो दिन के बाद चलेगी। जमीन कंद न खाने के पीछे भी मूलभूत कारण यदि है तो वहां पर एक्टिनिक रेज, अल्ट्रावायलेट रेज अंदर नहीं पहुंच पाती जमीन में, जिसको लेकर वे जीवाणुओं का नाश नहीं होता, तो उनके सेवन में बहुघात का दोष आता है। एक बात यह हुई वैज्ञानिक दृष्टि से। वैज्ञानिक दृष्टि से और सब है मेरे पास जिनको चाहिए। रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा। रिफ्रैक्शन दो चीज होती है, एक रिफ्लेक्शन एक रिफ्रैक्शन। नए लोग नहीं समझते होंगे तो टेंशन मत पालो, दो मिनट के अंदर में बाहर आ रहा हूं। एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑन द रफ सरफेस, ऐसे ही होता है कुछ। ये मान्यता है साइंटिस्ट की कि रिफ्रैक्शन के कारण एक्चुअली सूर्योदय जब होना है उसके 48 मिनट पहले ही हमको सूरज दिखने लगता है, और सूर्यास्त होने के 48 मिनट बाद भी हमको सूरज दिखता रहता है रिफ्रैक्शन के कारण। एक बात बहुत पुष्टि हुई, एक बात की। किस बात की? सूर्योदय के 48 मिनट बाद और सूर्यास्त के 48 मिनट पूर्व ही हमारा जो भी दिन जिसको कहते हैं जिसमें एक्टिविटीज करना चाहिए वो यही टाइम उचित। सहज जाते जाते कोई मेरा बड़प्पन नहीं करना है मुझे। मैं खनियाधान में रहा तो प्रवचन होते थे बाजार के मंदिर में, और रहते तो थे हम चेतन बाग में जहाँ पर नंदीश्वर मंदिर है, विद्यालय है। प्रवचन करने के लिए मैं जाता था वहाँ सालों तक। 8 साल तो मैंने सुबह तो किए ही है, 4 साल मैंने रात में भी जाता था। तो रात में जब भी समाज वाला कोई व्यक्ति छोड़ने को आता था मैंने ऑलवेज उनको मना किया, या हमारा आना मजबूरी है जाना, आप हमको छोड़ने आएंगे? नहीं, खतरा है रास्ते में, खतरा है। अरे खतरा तो दोनों पर खतरा आ सकता है। फिर नहीं, ये काम मत करो। आज भी मंगलार्थियों को सख्त मेरा कहना होता है, जिसको भी आना है मेरे पास सूर्यास्त के पहले ही आएगा, सूर्यास्त के बाद मेरे पास कोई नहीं आएगा किसी भी काम से। कोई भी आपकी शंका हो, कुछ भी, एनीथिंग, दिन में आया करो, रात्रि में नहीं आना। हमें अवॉइड करें उत्तर जितना कर सकते हैं। हमें ख्याल में आए
पैर रखने में भी पाप है। ठीक है, वैसे आगे के प्रकरण की तरफ बढ़ने के पूर्व, आपने वीर सागर महाराज का नाम सुना है किसी ने? वीर सागर महाराज सोलापुर की तरफ के हुए हैं, जिनका अध्यात्म न्याय दीपिका है, जयसेन स्वामी की टीका का अनुवाद किया है जिन्होंने। बाय प्रोफेशन ही वॉज अ डॉक्टर, MBBS डॉक्टर रहे हैं, और उनकी पत्नी भी MBBS डॉक्टर रही, दोनों डॉक्टर थे। शादी के उपरांत एक लड़की हुई, लड़की होते ही मर गई। बनारसी दास जी की याद आ गई, प्रकट दुख खेद, मूर्ख न जाने की भेद। विवेक को यह सब देखकर एकदम वैराग्य होता है, लेकिन मूर्ख को ये कुछ नहीं लगता। उनको वैराग्य हुआ, पति पत्नी दोनों को, डॉक्टर को, डॉक्टर कपल को। घर पर ब्रह्मचर्य का खूब अभ्यास किया, और बाद में एक ही दिन ये मुनि बने थे या आर्यिका बनी थी, आपने नहीं सुना? याद नहीं सुना? ठीक है, ये डटकर चौथे गुण स्थान में शुद्धात्म अनुभूति का दावा करते थे। इन्होंने पुस्तक भी एक निकाली थी, मुझे तो अभी क्या कहना है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। ये अल्सर के मरीज रहे हैं, अल्सर और भी क्या समस्या थी उनको, तो हर आधे घंटे में खाना ही खाना पड़ता था, रात में भी चार पांच दफे खाना पड़ता था। एक बार सहज में कुंभोज बाहुबली गए थे दश लक्षण पर्व मनाने के लिए, वहां पर शायद संबंध भद्र महाराज होंगे, तो उन्होंने बहुत प्रेरणा करी, बाबा पर्व है, पर्व के टाइम में भी तुम खाना पीना नहीं छोड़ोगे क्या? दिन गमाए खाए करी, रात गमाई सोए, बोलो हीरा जैसा मनुज जन्म कौड़ी बदले जाए, ऐसा कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग? दिन गमायो खाए करी, रात गवाई सोए, हीरा जैसा मनुज जन्म कौड़ी बदले जाए। मैं कहता हूँ ऐसा मत बोलो, मैं कहता हूँ दिन गवायो सोए करी, रात गवाई खाए। पलट गया मां, अभी इतना भी किसको होश है? किसी ने उनको कहा, डॉक्टर को, कि आप 10 दिन का ऑपरेशन पर है, आप थोड़ा संयम पाले, पालो पालो। नहीं बाबा मैं नहीं रह सकता, पालो पालो। पहली बार उन्होंने डेयरिंग से पाला है, 10 दिन उनको कोई ट्रबल नहीं हुआ, बस आजीवन रात्रि भोजन त्याग कर दिया उन्होंने वहां पर, और फिर बाद में इन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, जैसा मैंने कहा। और एक चीज सुनो, सुनिए क्या कुछ तो बोलो, हाँ तो बोलो, नहीं तो ना तो बोलो। शादी के वेरी सॉरी दीक्षा के उपरांत सालों बीत गए, 10-20 साल बीत गए, घूमते घूमते विहार करते करते उनकी गृहस्थावस्था की पत्नी 10-20 किलोमीटर पर आई। उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मैं मिलने आना चाहते हूँ। उन्होंने पलट कर जवाब भेजा था, फिर लाल साड़ी पहनकर आना, लाल साड़ी पहनकर आना। फिर आप नहीं समझे, ये व्यंगात्मक भाषा है, शर्म नहीं आती बोलने में? अभी हमारा क्या रहा अभी, और मिलना मिलना क्या है अभी? ये कोई राग को जन्म देना है क्या? अभी कुछ बात नहीं होती ऐसा। चलो ठीक, आगे के प्रकरण की तरफ बढ़ते। अनछने पानी के त्याग की चर्चा चलेगी। वैसे प्रकरण मूल किसका चल रहा है? त्रसघात का चल रहा है प्रकरण, इसको नहीं बोलिए। त्रसघात के अंतर्गत अनछने पानी का प्रयोग लिया जा रहा है। अनछने पानी की एक बूंद है ना, एक बूंद अनछने पानी की एक बूंद, विज्ञान जिसको क्या कहता है, 36450, 36450 जीव है, ऐसा वो कहता है। जैन दर्शन क्या कहता है, शायद आप बताएंगे, एक मिनट, और कोई बताएगा? बोल, हाँ
जैन दर्शन क्या मानता है, एक पानी की अनछने पानी की एक बूंद में कितने जीव होते हैं, संख्यात त्रस असंख्यात स्थावर। क्या स्थावर मतलब? ये जलकायिक, एक बूंद है वो असंख्यात जलकायिक है। गेटिंग असंख्यात तो जीव की वो राशि है, शरीर की राशि है, और एक एक शरीर में एक एक जीव है, और उसमें संख्यात त्रस है। संख्यात मतलब ऐसा नहीं कि 36,000 में निपट गए, और भी बड़ी संख्या है। बस मुझे कहने की बात यह है, जब अनछने पानी की एक बूंद हमारे सामने आती है, हमको चलते फिरते त्रस जीव दिखाई देने चाहिए। और त्रस जीव मतलब अगेन, त्रस जीव मतलब मांस, हड्डी, खून, चर्बी, ये सब दर्शन होने चाहिए। अनछने पानी के एक बूंद में ये सब है, मांस आदि, खून आदि सब। वैसे आप ये भी बात जानते होंगे, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय तक के जीवों का खून लाल नहीं हुआ करता, मात्र पंचेंद्रिय जीव का ही खून, जीव मतलब शरीर, पंचेंद्रिय जीव के शरीर का ही खून लाल हुआ करता है। नहीं तो आप ये भ्रम पाले, ये पानी तुम्हें तो बिल्कुल लालपन नहीं दिखाई देता, ऐसे कैसे हो गया, होता ही नहीं है। और होने को तो संगी पंचेंद्रिय तो सर्व के परमात्मा भी है, खून तो उनका भी लाल नहीं होता। मच्छर ने अपने अपना पिया वाला है, उसका ओरिजिनल खून नहीं है, ठीक है। और वो भी अभी काटा है तो दिखता है, नहीं तो थोड़ी ना दिखता है। फिर ऐसा कोई खून कुछ नहीं हुआ करता, खून है तो सप्त धातु में शरीर है तो लाल खून नहीं हुआ करता, केवल पंचेंद्रिय का ही हुआ करता है, चार इंद्रिय तक का नहीं हुआ करता। हमारा ही लिया है वो तो बात ही अलग है कुछ। हाँ, हमारा ही चूसा वाला है वो, हमारा चूसा वाला है वो, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपको सुनकर थोड़ा आनंद भी होगा, खुशी भी होगी। ये डिस्कवरी करी किसने है 36,450 जीव की, बोलिए। हाथों पर नाम नहीं पता तो फिर क्या क्या फोटो याद आ रही। जगदीश चंद्र बोस, प्लांट की लाइफ और वाटर की लाइफ एक साथ उन्होंने सिद्धि करी। सुनकर आनंद भी होगा, आश्चर्य भी होगा। कलकत्ता में स्पीच चल रहा था, किसका चल रहा होगा, गोपाल दास जी बरैया का, और स्पीच में श्रोता के रूप में जगदीश चंद्र बोस बैठे थे। इस स्पीच को सुनकर उनको विकल्प उत्पन्न हुआ, क्यों न शोध खोज की जाए, ये प्रेरित किया है उनको शोध खोज करने के लिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की किसी ने पुस्तक पढ़ी होगी, फादर्स लेटर्स टू हिज डॉटर, पढ़ी है किसी ने? इंदिरा गांधी को लेटर्स लिखे थे उन्होंने, उसका वंश के रूप में प्रसिद्धि है उसकी। तो इंदिरा गांधी जब छोटी लड़की थी, विदेश में पढ़ती थी, ऐसा ही है ना, तब लेटर्स लिखे वाले हैं ये सब कुछ। तो उसमें एक लेटर में खुलकर जीव राशि की चर्चा करी है, उसमें उन्होंने पत्थर में, पानी में, वायु में, जल में, सब में जीव की सिद्धि करी उन्होंने। तो ये पूरा जैनिज्म के अनुकूल वहां पर चर्चा और आपको मिल जाएगी, पत्थर में तक सब में। वो नेहरू जी समझा रहे इंदिरा गांधी को कि आज यहां तक सिद्धि हुई है कि इसमें भी जीव है, ऐसा ऐसा सब उसमें आया। बिना छना जल काम न लेंगे, मात्र पीने की बात नहीं है, काम में लेने की बात है। क्योंकि पीते कितना है, पीते 3-1 लीटर, और इस्तेमाल कितना करते हैं, 30-1 लीटर। आप विचार कर सकते हैं, स्नान करने के लिए, कपड़े के लिए, झाड़ू पोछा के लिए कम से कम 10 टाइम्स लगता होगा, 10 टाइम्स
मेरा आपको साधारण एक कहना है, जो ज्यादा नहीं पालन कर सकते मैं उनको थोड़ी कुछ बात कहूंगा। जीवन में कम से कम पानी प्रयोग का आदत डालना चालू करें, बहुत लाभ आप पाएंगे। अभी आप तो जा ही रहे हैं, मोह में और अमायन में ये स्थितियां है, महाराष्ट्र में विदर्भ की तरफ ये स्थितियां है कि एक पानी पांच जगह यूज होता है। क्या कहा? एक पानी पांच जगह यूज होता है, पांच जगह। उसी टब में बैठकर नहाओ दो तीन मग्गे में से, उसी में कपड़े धो, उसी से पोछा लगाओ और फिर उसी को बाथरूम में प्रयोग करो। कितने विरले जीव होंगे ये घर पर भी ऐसा करते हो, समझ में आता है? साबुन का पानी तो वैसे ही है, वो थोड़ा साबुन का पानी नदियों बीच चीर धुआए, अभी अभी पड़ रहे थे आप लोग साहब, अभी नदियों में कौन जाता है, भले आदमी, लेकिन तुम्हारा पानी तो नदियों में जा रहा है। जलमोरिन, जलमोरिन की भी बात आई, लेकिन पहले जमाने में तो नदियों में लेके जाते थे कपड़े, अभी तो नदियों में नहीं जाते, लेकिन ये पानी तो पाइपलाइन तो नदियों में ही जा रही है। साबुन का जितना भी पानी है आपका, बाथरूम में नहीं जाना चाहिए, सूखे में ही उसको स्प्रेड करें, थोड़ा संभव हो सके तो मिट्टी हो सामने, थोड़े नीचे को उतरना पड़े, नौकर को थोड़ा पैसा देकर देकर करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए उपक्रम। भैया क्या चाहते हो तुम सब? हम 1000 रुपये चाहते हैं, तुम 200 रुपये अतिरिक्त ले लो, 300 अतिरिक्त ले लो। हमारे यहाँ ऐसा होता है, एक एक जीव की रक्षा होती है, थोड़े यत्नाचार से करना, ऐसा ऐसा ऐसा। हालांकि उन पर विश्वास रखने का काम नहीं, रायमल जी ने यहां तक लिखा कि नौकर से कभी पानी नहीं छनवाना, यदि छनवाते हो उसमें लिखा ऐसा कि छुप छुप कर देखा करो उसको, वो कैसे छानता है। 8 दिन के बाद फिर देखो, 8 दिन के बाद फिर देखो, निरंतर देखते रहो, छिप छिप कर वो बराबर छान रहे कि नहीं, किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे तो इतना ही कहना है, यदि साबुन का पानी है आपका कपड़े का, तो आप पोछा वगैरह लगाते हैं तो उसकी तिखास कम हो जाती है, फिर साबुन की इंटेंसिटी कम हो जाती है। वैसे पहला साबुन तो जिसमें कपड़े भिगोए हैं उसका एक यूज ये भी हो सकता है, जिसको बॉडी को लगाने का भाव हो तो पैर वगैरह रगड़ना है तो उस साबुन के पानी से रगड़ सकते जो चाहो, लेकिन वो बाथरूम में तो वो नहीं बहा सकते अपन पहला पानी, क्योंकि स्ट्रॉन्गर होता है थोड़ा। जो डाइल्यूट पानी है दूसरे तीसरे जो पोछे भी लग चुके हैं, कदाचित बाथरूम में उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, समझ में आता है? मैं तो सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूं, जिनके छानने की ज्यादा बस की नहीं है वो इतना तो करे, पानी का कम प्रयोग करे हर सेक्टर में। मैंने यही पर कहा था क्या, हमारे घर में लिटरली ये होता है, लिटरली ऐसा होता है कि हमारी मुक्ति नहा के बाहर आई तो अक्सर उसकी मम्मी जाकर बाल्टी देखती है कि तो बेटा आज पानी ज्यादा ले लिए क्या बात है, आज 2 मग्गे ज्यादा ले लिए क्या बात है, ज्यादा नहीं लेना। और फिर उसमें क्या है, जो मेहनत से सब कुछ करता है, अभी आपको पता चलेगा मेहनत, जिसको एक ही बार पानी का करना है उसको क्या है, जिसको बराबर मर्यादा करनी है पानी की, 6 घंटा 12 घंटा कुछ 24 घंटा कुछ बराबर मर्यादित प्रयोग करना है, कितना श्रम साध्य है उसके लिए, अधिक पानी का व्यय नहीं करना, कम से कम पानी का प्रयोग करना। वैसे थैले से जो पानी छानने की पद्धति है, प्रक्रियाएं है, वो बिल्कुल अनुचित है और प्रभावना में दोषदायक है। ये सब आजकल मंदिरों में आपने भी बाहर रखा ही रहता है, मैं तो जब भी देव दर्शन की विधि पढ़ाता हूँ बच्चों को, देव दर्शन की विधि, देव दर्शन एक पाठ है ना बालबोध में, मैं वैसा पाठ पढ़ाता ही नहीं हूँ जैसा उसमें लिखा है, आप यकीन ही नहीं मानेंगे। अरे क्या क्या भरा है उसमें, उसमें ये भरा है अंदर जाते समय चमड़े की वस्तु उतारना चाहिए, है चमड़े की वस्तु पहनता है क्या जैनी,
क्या लिखा है भाई, हम तो नहीं समझते इस बात। आपने कभी गौर किया इस बात को लेकर, कितनी दर्दनाक बात है कि जैन चमड़ी की वस्तु पहनता है और बाहर उतरना चाहिए का क्या मतलब आया? नहीं सब दूसरों के लिए है, वो अभी छोड़ो उन बातों। मैं दूसरी बात और भी ये कहता हूँ, सुनो सुनो सुनो, मंदिर के बाहर पानी रखा रहता है। मैंने कहा सुनो सुनो सुनो, पानी स्वयं का अपना लेके जाना चाहिए। पानी कैसा भरा होगा, किसने भरा होगा, क्या स्थिति है, बहुत हालत खराब है, बहुत हालत खराब। कुछ कुछ जो टैंक्स होते हैं उसमें तो काई जम जाती है, सालों तक भी सूखे नहीं होते, सूखे नहीं होते, सूखने का अवसर ही नहीं है उनको कुछ। जो मटके का पानी पीते हो, मटका होता ना, मटका घड़े का पानी, वे भी कभी भी इससे नहीं बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे, क्योंकि घड़ा कभी भी नहीं सूखता। और जिनको बहुत राग है पीने का, कहते हैं 7 दिन के 7 घड़े रख देना, फिर जो मंडे को यूज किया है वो अगले मंडे को यूज करना, तब तक का अंतराल उसको एक एक पोर में जो पानी छिपा होगा वो सूखने का अवसर दिया जाए उसको। आप सब समझ रहे बात को? और एक बात मैंने कही थी अभी विद्वानों में चर्चा जब चल रही थी, मैं कुछ बात कर रहा था तो बात करते करते विद्वान बोले, क्या बात कर रहे हैं आप? लकड़ी के कमंडल नहीं हुआ करते? मूल कमंडल होते हैं तुम्बी के फल के, तुम्बी फल होता है जानते, तुम्बी छड़ाला पड़ी है आपने, छड़ाला पड़ी के किसी ने, उसमें शुचि ज्ञान संचम उपकरण लकी के गहे लकी के धरे, ये वाली लाइन है, उसकी फुटनोट कभी किसी ने पढ़ी है? फुटनोट नीचे क्या लिखा है किसी ने नहीं पढ़ी। फुटनोट में लिखा है कमंडल कैसे बनता है, तुम्बी फल से बनता है, तुम्बी फल टोटली प्राकृतिक जंगल का माल है, 200-200, 300-300 रुपए का कमंडल, क्या बात कर रहे? तो ये परिग्रह में नहीं आएगा क्या? प्रश्न है परिग्रह में नहीं आएगा क्या? मैं तो कम फिगर बोलो 200-300। बाबा लकड़ी के कमंडल होते ही नहीं है, क्योंकि लकड़ी पानी सोखती है। सूखेगा कब? ठीक है, कोई बात नहीं, हम पेंट कर देंगे। क्या पेंट कर देंगे? अब मैं ज्यादा नहीं उलझना चाहता, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या एनी क्वेश्चन? आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, बोलिए। कुछ प्रश्न है? हाँ, पेंट तो टोटली अशुद्ध चीज है ना, टर्पेंटाइन वगैरह क्या क्या मिलाया उसमें भगवान जानता। लकड़ी से बचने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया न सोके, इसलिए वो तो दोष तो बना ही रहा, वहां पर बरकरार रहा, प्राकृतिक हुआ करते थे तुम्बी फल के, जिसको मुनिराज स्वयं अपने हाथ से, मुनिराज के जीवन में कुछ भी पराधीनता नहीं हुआ करती, अहो मुनियों के और गृहस्थों के परिणाम नहीं मिलते। सब स्वाधीन प्रक्रिया है मुनिराज की, सब स्वाधीन प्रक्रिया है, प्राकृतिक चीज होती है वहां से लेते, यानी क्वेश्चन खुद बनाते। जब तुम भी देखिए, तुमड़ी नहीं देखी है, गोल इन शेप। लोकी देखिए, लोकी का गोल रूप। ऐसे जितने भी फल है जंगल में, वो बिल्कुल सूखने के बाद, अचित होने के बाद सूख जाता है ना, वो लोकी पड़ी रही बहुत टाइम तक वेल पर, तो उसका क्या होता है कभी देखा है? तोरई का क्या होता है कभी देखा है किसी ने? उसकी जाली वाली बनती है, लोग बर्तन वर्तन मांजते, नहीं देखा आप लोगों ने? तो प्राकृतिक पद्धतियां पहले चलती थी ऐसी सब, ये थोड़ा देखा करो ना। तो ये जो तुम्बी है, तुम्बी एकदम सूख जाए तो उसका अंदर का गुदा निकाल देते हैं, बस वो हो गए कंटेनर उनका,
और कोई भी एक स्ट्रिंग लाइक पेड़ पेड़ का ही सब प्राकृतिक, एवरीथिंग इज प्राकृतिक ओवर हियर, सब प्राकृतिक। अब भाई ये जीव ही प्राकृतिक है, सब प्राकृतिक है। चलो कहां तक खड़े हैं बोलिए, बाकी हाँ 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 चार पांच दिन पहले मैं स्पष्ट कर चुका, आप नहीं आए थे क्या? सुबह में ही आते हैं आप। ऐसा है, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा ग्यारहवीं है, अलग शुल्लक ही उद्देश्य के त्यागी है। अलग के उद्देश्य से कुछ भी बनाने वाला अलग ही नहीं लेंगे, मुनियों का तो बात ही नहीं है, नहीं तो उनके ऊपर दोष आएगा ना, वो फिर उनके उद्देश्य कुछ नहीं, सम विभाग हमारे लिए जो हमने बनाया है उसमें से उनको दे दिया। काफी चर्चा चल चुकी पहले, काफी चर्चा चल चुकी लगभग चार पांच दिन पहले चल चुकी, अब फिर से सुनेंगे तो मैंने काफी लिया 20-25 मिनट आज। जी स्वयं मुनि ही बनाते हैं ना ये सब। अरे जंगल, अरे भाई मुनिराज पीछे बनाएंगे अपने लिए, जहां तक पंख पड़े हैं प्राकृतिक चीज है ना, वो उसको इकट्ठा कर लिया होगे पीछे तैयार, तो स्वयं बना लेते हैं, पीछे स्वयं बना लेते हैं, कमंडल स्वयं बना लेते हैं, राख का भी प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं शुद्धि के लिए और कदाचित अन्य कार्य के लिए राख का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जंगल में सहज उपलब्ध जो सामग्री है अचित अचित उसको लेते हैं अपने काम। चलना है आगे, ठीक है। गृहस्थों के भरोसे, अब मैं थोड़े लीक से हटकर, आई अटेंशन, गृहस्थों के भरोसे कुछ भी होगा ना उसका फल अच्छा नहीं होगा, उसका फल अच्छा नहीं होगा। 2010 में आप जानते हैं गवर्नमेंट ने कानून पास किया, क्या कानून पास किया बोलो? 2010 में आज से 7 साल पहले गवर्नमेंट ने कानून पास किया था, इसके बाद मोर के पंख का कुछ भी प्रयोग मार्केट में नहीं होगा। सीधा पीछे पर कुटारघात किया, अब नहीं जानते इसको? जानते हैं थोड़ा बहुत, मेरे पास बहुत आर्टिकल्स है। अपने जैनियों ने खूब जोर लगाया, भैया 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 हमारा संयम इसी के बल पड़ता है, आप कुछ करो देखो, और वो दिन दूर नहीं, आज तो सुन ली उन्होंने जैनियों की, रोज रोज नहीं सुनने वाले हैं, एक दिन कड़क कार्रवाई होगी, इसलिए होना जरूरी है कार्रवाई। सब पीछे रहेगी नहीं फिर मुनि कैसे होंगे, ये तो तुम आज अकल संभालो। इतनी गुच्छेदार इतनी पीछे और साल साल भर बदलते हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी? वो तो तमाशा देख रहे ना, वो तो तमाशा देख रहे ना, कितने मोरों की हत्याएं हो रही है, उनको स्पीसीज एंडेंजर्ड स्पीसीज में लिया है, हमारे नेशनल बर्ड है, हम क्या करें उसको? किसने शूट किया टाइगर को, कितना बड़ा फिल्म स्टार था, हमने उसको रखड़ा रहे सालों सालों रखड़ा रहे उसको। जो जो एंडेंजर्ड स्पेसीज है हमारी, हम करोड़ों अरबों का प्रोजेक्ट है हमारा, ग्रैंड एम्बेसडर बना रहे टॉप हीरोज को, टॉप क्रिकेटर्स को करोड़ों अरबों देकर ग्रैंड एम्बेसडर्स क्यों बना रहे हैं? वो जगह जगह प्रसार करते हैं, भाई पशुओं को मत मारो, ये इनको मत मारो, और मोरों की हत्या इनके कारण हो रही है, शो पीस बन रहे, बनते होंगे शो पीस, तो तुम क्या कर रहे हैं? हमारे ऊपर आज खतरा टला है, सदा काल टलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। मुनि पने पर आज न आए, मुनि परंपरा क्षुण्ण रूप से बनी रहे, इसकी जिम्मेदारी हमारी तुम्हारी सबकी है, इसको तमाशा नहीं बनाओ, प्रदर्शन का विषय मत बनाओ। चलो अपन बाहर आए, अपने पानी छानने की अपन चलते। वैसे मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं, आज तीसरी बार कह रहा हूं आपके बीच में, जैनी एक बूंद भी अनछने पानी का प्रयोग करता नहीं, बात को पूरी करो, और एक बूंद भी उसमें धर्म मानता नहीं। सदा सुखदास जी की भाषा में, अरे भिखारी को भी पानी पिलाना पड़े, आगे बोलो नेक्स्ट।
अरे नौकरों को भी पानी पिलाना पड़े तब भी, अरे आगे बोलो पशुओं को भी पानी पिलाना हो तब भी छना पानी ही पिलाना। सदा सुखदाज्य का स्पेशल नोट है, स्पेशल नोट। पशु, भिखारी, नौकर, छना पानी ही का प्रयोग होगा। उत्तम चंद जी को आप जानते हैं, विद्वान है, एक प्रथम श्रेणी के विद्वान है छिंदवाड़ा के, उत्तम चंद। वो एक घटना सुनाते हैं, आपको भी ज्ञात होगी। वैसे वैसे प्लेन में जा रहे थे, प्लेन में जा रहे थे। मैं कोई प्लेन का अनुमोदन नहीं कर रहा हूं, मुझे तो कुछ बात कहने, आप बात को समझो, सुनो। प्लेन में जाते समय उनके बगल में एक सिख बैठा था। एयर होस्टेस आई, एयर होस्टेस समझते हैं वहां की वेटरिन, वो आप क्या लेना चाहेंगे, आप क्या लेना चाहेंगे, कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव मिल्क देन, क्या आप दूध लेना चाहेंगे। सिख ने ये बोला उस एयर होस्टेस को, सिख ये बोला, मैडम ही जैन, अब दूध की बात करते हैं, इनको आपका पानी भी नहीं चल सकता। ये जैनियों का रीति नीति है, जैनियों की तो पहचान ही बनाई थी। जब भी निकलेंगे कहीं भी, हाथ में बाल्टी दिखेगी उनके, हाथ में बाल्टी बरकरार रहती थी। कुछ नहीं, आज के जमाने में देखेंगे कहीं भी पानी पर, आप देखेंगे कोई छान कर पानी पी रहा है तो मोटा मोटा आप अनुमान कर सकते हैं कि जैनी। हालांकि मैं ये कह रहा हूँ, छन्ने का प्रयोग थैले के रूप में नहीं होना चाहिए, हमारे शिथिलता है। हमारे कुछ विद्वान मंच से थैली का भी प्रचार करते हैं, ये बात बिल्कुल अशोभनीय है। हमारे घर में क्या करते हैं वो हमारी व्यक्तिगत कमजोरी है। थैली में होल्स होते हैं छोटे छोटे, बिलछाने की क्या पद्धति होगी। जिनागम में जो बताया है, मोटा कपड़ा दोहरा करके पानी छाने और उसकी बकायदा बिल छानी देवे थे, छने पानी से। दादा की दद्दू की धोती नहीं छलेगी, समझ लेना, दद्दू की धोती और तुम्हारा रुमाल नहीं चलेगा पानी छानने के लिए। छन्ना मतलब छन्ना ही चाहिए, और छने पानी से बिल छानी, और खूब बिल छानी डाली जाए। वैसे मूल तो आगमुख तो कुएं का ही पानी का है, तत्काल बिल छानी की बात है, ये बाकी तो निकाले हुए मार्ग है। नल का जो पानी है, नल का पानी, उसको छानने का कोई पॉइंट ही नहीं है, छानने की आवश्यकता ही नहीं, वो ऑलरेडी केमिकल ट्रीट होकर आता है। वैसे ही सब जीव स्वाहा हो चुके हैं, उसके प्रासुक हो चुका है वो पानी। प्रासुक मतलब जीवों का नाश हो चुका है, लेकिन अवैध रूप से, लीगल रूप से नहीं। हमारे यहाँ ये मूल मर्यादा है। चलो, आप कौन है, आप में से आप ऋषभ भैया के भैया, आप सुनना अभी ध्यान से। वैसे मम्मी का प्रश्न था ये, ना मम्मी है अभी ना ऋषभ भैया है, आज ऐसा योग बन गया, आने के बाद उनको बताया जाएगा। मैं मम्मी को ये कहता रहा कि आपको बताऊंगा, मैं आएगा प्रकरण तब लूंगा, लेकिन आज है नहीं। उन्होंने टीवी पर सुना होगा प्रश्न उत्तर में, किसी का प्रश्न उत्तर आता होगा टीवी पर, उसमें सुना होगा, क्या बारिश का पानी प्रासुक है। तो उत्तर ये दिया गया, हाँ प्रासुक है, अमृत है, हम उसको पी सकते हैं, उसका प्रक्षाल भी कर सकते हैं। तो पंडित जी ये बात मुझे जमती नहीं, मम्मी ये कहती थी, ये इतना सब मम्मी का डायलॉग है। मैंने एक ही बात कही थी कि चर्चा करेंगे अपन जब मौका आएगा, ये अभी मौका खड़ा है। बरसात का पानी, रेन वाटर, इज कंसिडर्ड टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, एवरीवन नोस। बरसात के पानी को शुद्ध, सबसे शुद्ध पानी कहा गया है, ये तो विज्ञान कहते हैं और सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। कहता होगा विज्ञान, घबराने की आवश्यकता नहीं आप सबको। और उसको वो पानी प्रासुक भी है, प्रासुक भी है।
अब जैनन सिद्धांत कोश पढ़ेंगे उसमें बरसात के पानी को प्रासुक पानी लिया गया है। अब फटाफट कुछ भी उत्तर देने की आदत ठीक नहीं है। अरे ये क्या बोल रहे प्रासुक है। अपेक्षाएं सब जगह जिनवानी में है। प्रासुक लिखा तो है वहां पर कोश में, उसका भाव क्या वो मैं अभी बता रहा हूं। और फिर पीना तो चाहिए ना, पी सकते हैं ना, प्रक्षण तो कर सकते हैं ना, वो अभी लेते हैं। प्रासुक उस पानी को इसीलिए कहा है क्योंकि वो वातावरण में से आया, कितनी धूल मिट्टी को लेकर आ रहा है वो तो प्रासुक तो वैसे ही हो रहा है वो पानी। आप समझ रहे हैं अभी बात को, क्लियर? इज इट क्लियर? और फिर मिट्टी में तो गिरा तब तो फिर प्रासुक हो ही गए वो। तो मुनिराज उस पानी पर चल सकते हैं, घबराना नहीं। इस अपेक्षा से उसको प्रासुक बोल दिया। अपेक्षा समझ में आई सबको? मुनिराज उस पर चल सकते हैं, उस बरसात के पानी पर कोई आशंका नहीं रखे कि मुनिराज इस पर चले कि नहीं चले। प्रासुक हो चुका है वो पानी, प्रासुक हो चुका है। लेकिन परंतु प्रासुक हुआ है वो कौन सी विधि से प्रासुक हुआ है? वो कितना गंदा मैला कुचला पानी, गंदगी पूरी, अपना कितना पोल्यूशन सबको लांग कर ये पानी आ रहा है। अपन वैसे मुंह भी खुला नहीं रखते, कहते वो वातावरण की दूषितता है। और ये कितना पार करके इसको अमृत कहा से कहा जाएगा, और इससे थोड़ी ना प्रक्षल किया जाएगा। जो कुएं का पानी है शुद्ध माना जाता है, झरने का पानी हुआ करता है, इसी को कायदे से छान कर, बिल छानी डालकर फिर इसको प्रासुक करके, ध्यान रखना पानी छान लिया उसको भी प्रासुक कहते हैं कहने वाले। वहां पर प्रासुक का अर्थ निर्जंतुक, यदि कोई करता है तो उसका अर्थ इतना ही लेना, त्रस जीव छने गए। वो छन्ना है त्रस जीव को ही अलग करता है, लेकिन जल कायिक तो अभी भी है, एक इंद्रिय तो अभी भी है। इंद्र भी प्रक्षाल करता है, जन्माभिषेक इंद्र भी करता है, 1008 कलशों से करता है, क्षीर समुद्र में से पानी लाकर करता है, वहां पर जलचर तो है नहीं, त्रस जीव तो होने का वहां काम नहीं है, लेकिन वो पानी प्रासुक नहीं होता उसका। लेकिन वो तो देव है, वो क्या करेगा? आप सब समझ रहे मेरी बात को? हम मानव है, मानव संयम हमारे गुण है, और हम पानी छान सकते हैं, तो हम पानी छान सकते। उसको तो छानने की वैसे आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि छानते तो त्रस जीव को हटाने के लिए है। लेकिन प्रासुक मतलब उसमें कुछ गर्म आदि करने की कोई पद्धति नहीं अपनाई उन्होंने। आप सब समझ रहे हैं ना? हमारे यहाँ प्रक्षाल का जो पानी है उसको पहले गुनगुना किया जाएगा थोड़ा सा, एक इंद्रिय जीव को भी हटाकर उसको पानी को पूर्ण प्रासुक किया जाएगा। प्र आसु क, प्र आसु क, प्रकृष्ट रूप से प्राण जिसमें से निकल चुके हो उसे प्रासुक कहते हैं। आप सब समझ रहे हैं बात को? छना हुआ पानी प्रासुक नहीं, एक्चुअली उसमें कुछ डालना पड़ेगा। यदि लौंग वगैरह डाले प्रासुक तो तब भी होगा, लेकिन भगवान के प्रक्षाल के लिए तो काम में नहीं आएगा। फिर किसी को पीना हो तो प्रासुक पानी के रूप में पिए, वो बात अलग एक बात ये। लेकिन एक इसमें बात ये है कि यदि लौंग सौंफ वगैरह डालते हैं, वैसे सौंफ जीरा आदि कभी नहीं डालना मर्यादा करने के लिए पानी की। कल सुबह द्विदल का प्रकरण चलना है, उसमें मैं बताऊंगा क्योंकि सौंफ का पानी है आपका, दही की दूध की ग्लास है, उसको कैसे धोकर पिएंगे आप? गेटिंग? तो सौंफ का जीरे का पानी यदि मर्यादा को हो तो फिर ध्यान ये रखे कि दूध दही के साथ मिश्रण का उसको कोई अवसर नहीं बने। फिर गेटिंग द्विदल होएगा ना फिर वो, और द्विदल तो कल लेना है आपने। को पानी की मर्यादा ठंड के दिन में आपको करनी है तो लौंग को फूल निकालकर अच्छे से पीस लेवे, बहुत
जो 10 लोगों के काम करती है आवश्यक नहीं है 10 लोगों का, एक लोगों को ही अच्छे से पीस कर उसको डाल दीजिए, ठंड में लौंग वैसे भी अच्छी होती है, गर्मी में इलायची, इलायची भी कभी भी खड़ी नहीं डालना। एक भाई ने एक बार खड़ी डाल दी, मैंने उसको खोला, उसमें जीव निकला, मैंने फिर दिखाया, मैंने कहा देखो जिंदा तो होने का कोई काम भी नहीं था, वो मरा हुआ था। हम उसको खोल के उसको अच्छे से पीस के इलायची को बहुत थोड़ी सी डाल दे, और लेकिन 6 घंटे के बाद वो पानी फिर सड़ जाता है। तो थोड़ा ही करें जितना हमको ज्ञान है, और नहीं तो गुनगुना करें 6 घंटे का। फिर 6.25 घंटे के बाद हमको ये ख्याल में आ जाए कि पानी तो बहुत है क्या करें, तो आप अभी यदि फिर अभी यदि उसको उबालते हो तो अभी से इसकी 24 घंटे मर्यादा हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, आप यदि अभी 12 घंटे की करते हो और 11वें घंटे में फिर 24 घंटे की करते हो तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान में आपके सब इतना रहना चाहिए। समझ में आ रहा है सबके? एक बात ये, किसी को कोई प्रश्न मर्यादा का बोलो। प्रक्षाल के लिए लौंग का पानी कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे? भगवान को चलेगा, जिन प्रतिमा जिन सारे की एक टीका चलता है भगवान के ऊपर, लेप होएगा, परिग्रह हो जाएगा, गेटिंग बिल्कुल नहीं चलता। और कहां पर करते हैं ऐसा, करते हैं हॉरिबल, एकदम अनुचित परंपरा। मैं पहली बार सुन रहा हूं ऐसे। अब पूरे बुंदेलखंड को छान लीजिए, एमपी, हो सकता है यूपी, कभी नहीं मिलेगा आपको ये बुंदेलखंड में, नो वेयर, नेवर, इम्पॉसिबल। हाँ हाँ, अनुचित पद्धति, बिल्कुल अनुचित। भगवान को सरागी करने की पद्धति, भगवान को श्रृंगार किया, पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में चंदन के टीके को श्रृंगार में लिया, श्रृंगार आपने ब्रह्मचर्य पर लांछन लगा दिया, ऐसा लिखा उसमें। कुछ भी लेपन होता है भगवान पर, भगवान पर क्या किया हमने, हाँ आ? किसका, हाँ ऐसे कोई अल्टरनेट नहीं। अरे क्या ये कोई बात है, ऐसा हो नहीं सकता ना। ये तो पहली बार पानी कैसे नहीं गर्म हो, कुछ समझ में नहीं आ, क्यों नहीं किया, गैस खत्म हो उसका, और तो फिर कुछ भी जुगाड़ कर ले, इस पेर में रखे, घरों में होते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं, उसके अपने पर्सनल प्रॉब्लम। चलेगा तो बिल्कुल भी नहीं। एक मिनट, यदि हमको बर्तन मांजने करने के लिए पानी प्रसुख करके रखना है तो उसमें कुछ मत डालिए, कपड़ा हिलोर लीजिए, उसमें कपड़ा उसका रंग स्वाद बदल जाएगा, वो बर्तन के लिए ले लीजिए। लौंग वोंग आप वेस्ट मत करिए। अब बोल, हाँ वेरी नाइस, अभी लेते हैं उसको। आपका ये प्रश्न है कि 12 घंटे की मर्यादा का कहाँ उल्लेख आया, पूरी जिनवानी में 12 घंटे की पानी का उल्लेख नहीं आया, एक 6 घंटे का आया, एक 24 घंटे का आया, लेकिन अतिशायनाथ सिद्धांत, अतिशायनाथ सिद्धांत को खड़ा दिमाग में रखते हैं तो 6 घंटे का अर्थ उन्होंने एकदम गुनगुना किया, 12 घंटे का अर्थ उबाल लिया। तो अनुमान से बीच की अवस्था 12 घंटे की हम लेते हैं तो आपत्ति नहीं दिखती है। और पन्ना लाल जी साहित्याचार्य हुए और एक विद्वान, वे उसको बोलते थे ऐसा, और जचती भी है, तो कोई माने तो कोई हर्जा नहीं है इसमें। बोलो, हाँ जब उबालना चालू करेंगे तब से 24 घंटा उसका आगे चलेगा वो पानी। यस,
अभ्युपल्य, हाँ ऐसा नहीं चलेगा ना। नहीं नहीं चलेगा चलेगा, तब तक तो इतना क्रॉस करेगा वो, 12 घंटे को तो क्रॉस कर जाएगा, पर इतना क्यों मार्जिन पर चलना बॉर्डर पर? नहीं 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 इतना कुछ ये कोई द्रव्य नहीं होगा क्या, पर ऐसे भिन्नता करने की बात चल रही है। चल ठीक है, 6 घंटा कुछ भी चीज जिसमें डाली जाए उसकी 6 घंटे से ऊपर मर्यादा नहीं हुआ करती। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ भी डाले, नहीं 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 अच्छा अच्छा आपका ये कहना है, समझ गया मैं समझ गया। देखो इसमें ऐसा है इसमें बॉइल तो किया है पानी, लेकिन अभी वो 6 घंटे के बाद पानी सड़ना चालू हो जाएगा। यदि उसको टच नहीं करते तो ही वो कंडीशन लागू है। फिर कोई कोई जना ऐसा भी करते, फिर लौंग डालते और फिर उबालते, वे क्या समझते क्या मालूम। लेकिन ऐसा करने से पानी 6 ही घंटा मर्यादा में होगा, फिर वो 24 नहीं माना जाएगा, क्योंकि लौंग पर्टिकुलर वो कलर उसका हुआ है 6 घंटे के बाद। अरे सब्जी है दाल है, 6 घंटा मर्यादा मानते हैं कि नहीं मानते अपन, तो उसकी भी फिर 6 मानना पड़ेगी, ऐसा होगा। ठीक है चलना है आगे। और एक बात, विशेष बात, समय हो रहा है, हमारे घर में घर के बाहर फाउंटेन का शौक मत पालिए। भव भव आपको भोगना पड़ेगा बुरी हालत में, ऐसा कुछ भी बीज मत बोइए। दुनिया के मनोरंजन के पीछे फाउंटेन करते हैं, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, वाटरफॉल भी करते हैं, पैसे की कितनी आकड़ पैसे की, और लाखों रुपए मिटा डालते हैं अपने अपने में। अपने अपने की बात कर रहा हूँ मैं, अपने मुमुक्ष भाइयों में भी देखने में आता है, ये ठीक नहीं है। एक बात ये हुई, सेकंड बात इतना भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे अभी ये शायद शाम को धुल गया, शायद जो भी हुआ, रोड पर भी मैं तो ऐसा फॉलो करता हूँ। आज भी मंगलायतन में से एक रास्ते से निकले, वहाँ पर पानी है पूरा, उस रास्ते से मैं घूम जाता हूँ, दूसरे रास्ते से आता हूँ, फिर पूरा अनछना पानी का था वो, तो अनछने पानी पर पैर भी नहीं रखना। एक और आपके यहाँ पर भी कुछ है कहते हैं उनके, मेरे मुक्ति को कोई कह रहा था बेटा वो भी देखना बहुत अच्छा है, अक्षरधाम का। मैंने कहा ऐसा बिल्कुल हमारे वचन में नहीं आना चाहिए, वाटरफॉल आदि वो फाउंटेन देखना कितना अच्छा है। निबल को ना सताइए ताकि मोटी हाय, मुए चाम की भसक सो भस्म हो जाए। पर हम ऐसा पाप बंद कर रहे हैं, ऐसे में कहीं आयु बन जाए तो तिरेंच आयु बंधेगी, फिर आपको तिरेंच आयु ठेठ बन जाना फिर चल। हाँ तो अच्छा है नाइस है, ये बिल्कुल हमारे जैनियों के मुख से ये बात नहीं निकलना चाहिए। अनुकृत से कारित से अनुमोदन से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है और क्या दिमाग में था कुछ कहने का, क्या कुछ विशेष बात है, कुछ आप कह रहे हैं कुछ विशेष बात? नहीं, हमारे घर में जितने भी प्यूरिफायर्स लगे हैं वाटर प्यूरिफायर्स सब अनुचित है। पहले पानी छाना जाए और फिर जो होना है सो हुआ जाए, डायरेक्ट तरस जीव मारे जाते हैं। ये प्यूरिफायर्स हीटर्स बॉयलर्स ये सब इनवैलिड है, ये जैनिज्म के अनुकूल कुछ भी नहीं है। और कुछ हाँ वो जानता हूँ मैं, किसी के घर में थैला तो यूज नहीं होता, लेकिन एक नई चीज आ गई है कह रहे हैं छन्नी जैसी, क्या नाटक है। सर्वज्ञ के आँख में धूल झोंक रहे हैं, हमारी मनगढ़ंत कुछ कुछ नई नई बातें करके क्यों फिर
फिर जब बिल छानी डालनी है उसकी, तो उसको सिंगल कैसे करेंगे? फिर बिल छानी का ये रूल है, देखो हमने ऐसा पानी छाना, पानी छाना, पानी छानने के बाद जो छना पानी है, छना पानी, उसको फिर यहां से दो चार मग्गे, यहां से दो चार मग्गे, फिर सिंगल किया, फिर दो चार मग्गे, फिर दो चार मग्गे। अभी सिंगल का कहां अवसर है उसमें? सिंगल कर सकते हैं उसको, छन्नी को गया तो उसके बीच में कुछ नहीं होगा, ये कौन बोल सकता है? हाँ, टाइम लग जाती है, काई लग जाती है, हाँ काई भी लग जाती है, बराबर है, ठीक, वो तो है ही, सब दुनिया देख ही रही है उसको। तो मैं तो ये कह रहा हूं ऐसे छन्ने प्रयोग करने से पानी न छानना इसलिए अच्छा, क्योंकि कभी तो आपको लगेगा अरे हम पानी नहीं छान रहे, जीवन जा रहा है। अभी इसके जरिए आपको तो लगता है हम तो पानी छानते ही है, छानते ही है हम तो, कितना भ्रम पक्का हो रहा है आपका। और विद्वान भी ऐसा प्रचार करते हैं कि भैया ये पंच कल्याणक में जो शाम को रोज थैलिया बदलेगा, धोएगा, उसको बहुत पुण्य बनेगा, बहुत पुण्य बनेगा। हाँ हाँ, बिकते ही है, बराबर, सब जगह ही है, क्या करेंगे आप? कुएं में भांग पड़ी है, हम क्या कर सकते हैं? हम स्वयं को बचाए, ठीक है। ये नए नए जितना भी प्रचलन परंपराएं चालू हुई है उसको रोकने का प्रयास किया है, ठीक है। वास्तव में मानव जीवन का जो, अरे एक एक मिनट, वन मोर थिंग, बोलू क्या थोड़ा? टू मिनट्स। देखो आज से लगभग 10 साल पहले, करीबन 10 साल पहले, 8 साल पहले, आप जानते हैं देवलाली में दो बच्चे स्विमिंग करते हुए मर गए। अब जानते हैं जबलपुर के, किसी को ज्ञान में है तो कुछ बात करें अपन। वेरी गुड, वेरी गुड, सुनिए सुनिए, आप सब सुनते जाइए सुनते जाइए। बहुत बड़ा केस हुआ। दो नौजवान मुनि बनते तो कितनी छाती छोड़ी होती। किस मौत मरे हैं। कहा क्या, कैसे मरे? नदी में स्विमिंग कर रहे थे ये, ओके। अब कैसे रोए इनके लिए, कैसे रोए इनके लिए, क्यों रोए इनके लिए? मैं तो क्यों बोलूं कुछ? पुलिस केस फाइल हुआ बहुत बड़ा, पुलिस ने घेराव डाल दिया, तब देवलाली में ही था। पुलिस ने घेराव डाल के, पुलिस बार बार एक प्रश्न पूछ रही थी, आप कल्पना नहीं कर सकते। तुम जैनी लोग हो, आहा कैसा लगा, गला पकड़ के वे पूछ रहे हमको, तुम जैनी लोग हो, हमने तो यह सुना है तुम तो अनछना पानी का एक बूंद भी प्रयोग नहीं करते, और तुम तो ठेठ उसमें डुबकी लगा रहे, ठेठ कोसन के जीव मराए, समझ लेना कोसों तक वे जीव मरते जाते हैं, हमारे संपर्क में आए, वही पानी आगे तक गया, वो प्रासुक हुआ, वो पानी रासुका। अब बहुत सारी बातें कहने की है, ये भी बात समझ लेना, स्विमिंग के नाम पर फाउंटेन वाउंटेन का तो कोई चारा ही नहीं है यहाँ पर। और कभी संकट आए तो फिर एक काम करो, कराटे भी सिखा दो, और क्या करेंगे? फिर एक काम करो, बॉक्सिंग भी सिखा दो, संकट आए तो फिर एक काम करो, फिर ये भी सिखा दो, फिर वो भी सिखा दो, फिर वही सिखा दो, फिर एक काम करो, जिनवानी धरे रहने दो एक तरफ, तुम तो यही सिखा लो पहले तो। अरे संकट में भेद विज्ञान काम आता है, बड़े बड़े स्विमर्स नहीं मरते हैं क्या? और जिसको स्विमिंग आता ही नहीं वो काई के लिए मरने जाएगा वहां पर, जिसको आएगा वही तो जाएगा वहां पर। तो बाबा जिसको ख्याल में हमको आता ही नहीं वो कोसो दूर पहले रह रहा, क्या दिक्कत है उसमें? हम कितना देखते जहाज फूट फूट के अपने आप किनारे लग गए, इतना पुण्य को दे रहा, आप जानते हैं कि नहीं इस बात को? अपने आप किनारे लग गए महापुरुष, सिर पाला दिया तो चलो ठीक है, ओम नमः।
मानव जीवन का असली आभूषण संयम ही होता है। किस प्रकार हम एक पानी को चार दफा यूज कर सकते हैं, पहले नहाने में, फिर कपड़े धोने के लिए, फिर पोछे में और अंत में बाथरूम में। यदि हमें मटके का पानी प्रयोग करना है तो एक दिन का एक मटका हम अपने घर में रखें।